नमस्कार दोस्तों, तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX, तो ये जो मॉडल है बोलेरो का महिंद्रा कैंपर क्या एवरेज देता है, क्या माइलेज देता है, आज पूरा जो माइलेज है वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इस ये क्या जो है टंकी फुल करने के बाद कितने किलोमीटर चलती है और इसका जो एवरेज है माइलेज है वो कितना है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, टोटल बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX, तो अभी हम मुकाम जाएंगे और इसका जो एवरेज है वो आपको टेस्ट करके बताएंगे क्या एवरेज देती है और इसका आप लुक देख सकते हो। महिंद्रा बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX टॉप वेरिएंट है एसी वाला, तो ये एसी में और नॉन एसी में क्या एवरेज देती है, क्या माइलेज देती है, आज पूरा टेस्ट करके बताएंगे, टंकी टू फुल टैंक तक टेस्ट करके बताएंगे आपको। तो आप अभी देखिए टंकी है जो कि हमने फुल कर दी है और पेट्रोल है वो आया टोटल 51 लीटर, तो कुछ थोड़ा बहुत अंदर होगा 51 लीटर पेट्रोल आया है, सॉरी डीजल आया 51 लीटर, तो 51 लीटर डीजल आया है और टंकी पूरी फुल हो गई। आप देखो नीचे गिरा है और अभी हम इसका जो एवरेज है वो टेस्ट करेंगे पूरा, तो आप इसको लास्ट तक देखें। तो अभी टंकी फुल हो गई है और मैं ये जो जीरो कर देता हूँ, आप देखिए जीरो कर दिया और अभी हम इसका जो पूरा एवरेज है वो निकालेंगे। तो जो गाड़ी है वो 186 लगभग 187 किलोमीटर चली है और अभी जो एक पारा है वो डाउन हुआ है, तो आप इसका जो एवरेज है वो लगा सकते हैं 187 किलोमीटर और पारा है जो कि लगभग 7 लीटर के आसपास आता है, तो 7 लीटर के अंदर 187 किलोमीटर है। बाकी आपको पूरा जो है टंकी से बताएंगे इसका जो एवरेज है वो कितना निकलता है लास्ट में। तो अभी आप देखिए कि 438 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और इसके जो पारे हैं वो 4 गिर चुके हैं और 4 पारे अभी बचे हैं, मतलब आधा डीजल टंकी के अंदर है, आधा डीजल के अंदर ये 438 किलोमीटर जो हमारी गाड़ी है वो चली है। तो टोटल क्या एवरेज देता है हम पूरा निकाल के बताएंगे आपको। तो अभी आपको मैं बताऊं कि गाड़ी के 2 पारे थे, अभी 1 पारा जस्ट अभी गिरा है, अभी 1 पारा बचा है और हमारी जो गाड़ी है वो टंक फुल कराने के बाद में 755 किलोमीटर चली है, तो 755 किलोमीटर गाड़ी चली है और 755 किलोमीटर गाड़ी में हमने 7 पारे यूज हुए हैं, 1 पारा अभी तक बचा हुआ है। तो हम जो ये बागोड़ा से हमने टंकी फुल कराई थी, तो बागोड़ा के बाद में भारतमाला भी चले थे 350 किलोमीटर भारतमाला, फिर हाईवे था एक्सप्रेस हाईवे पे भी चले और ये जो आप सिंगल रोड देख रहे हो इस प्रकार की रोड पे भी हम चले हैं और कहीं कहीं ट्रैफिक भी थी, तो हाईवे पे भी चले थे, भारतमाला भी थी, उसके साथ साथ सिंपल रोड भी थी, कहीं कहीं ट्रैफिक का भी मामला था और हमने एसी लगभग 1 या 1.5 घंटा चालू रखी है, ज़्यादा एसी चालू नहीं रखी गाड़ी में, इतने ट्रेवल में सिर्फ 1.5 घंटे भी एसी चलाई थी, बाकी बिना एसी हमने जो पूरा ट्रेवल है 755 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं और 1 पॉइंट अभी तक पड़ा है, तो इतनी जो हमने गाड़ी चला ली है अभी 1 पॉइंट में ये आगे गाड़ी कितनी चलती है और क्या एवरेज देती है पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे और किस प्रकार से इसका एवरेज निकाला जाता है उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो कैंपर गाड़ी है वो 846 किलोमीटर चल गई है और अभी तक हमने डीजल नहीं भरवाया है और टंकी पूरी खाली हो गई है, वो 1 पारा था वो भी गिर गया, अब सभी जो 8 के 8 पारे सब गिर गए हैं लेकिन जो पेट्रोल का निशान है वो आ रहा है, बाकी अभी गाड़ी और चल रही है और कितनी चलती है वो भी हम देखेंगे। और 846 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है टंकी फुल करने के बाद, तो अभी और आगे देखते हैं कितनी तक चलती है गाड़ी और फाइनली जो एवरेज निकलेगा वो पूरा निकाल के बताएंगे आपको, एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। 854 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और पूरे जो पारे हैं वो गिर गए हैं, अभी हम डीजल भरवाएंगे और कितने लीटर डीजल आता है देखेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। तो अभी गाड़ी को पेट्रोल पंप पे खड़ा किया है और अभी यहाँ से हम फुल करेंगे टंकी, तो अभी यहाँ से शुरू कर दिया है डीजल भरना और टोटल कितना डीजल आता है तो आप देखिए मुँह तक जो डीजल है वो भर दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा मुंह तक डीजल भर दिया है और टोटल डीजल आया है 49 लीटर और 87 मिलीलीटर, 49.87 लीटर डीजल आया है। तो गाड़ी चली है 854
854 ये देखिए आप 854 गाड़ी चली है और डीजल है जो कि आया है 49.87 मतलब 50 मान सकते हो 50 लीटर डीजल आया है। तो 854 भागे 50 17.8 जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आया है, थोड़ा इधर उधर भी चले हैं और गाड़ी चालू भी रही है ट्रैफिक में, रोड भी खराब थी, तो फिर भी आप देख सकते हो 17.8 मतलब 17 का एवरेज दिया है, बहुत एवरेज है, इससे ज़्यादा तो कैंपर क्या ही देगी। तो रामदेवरा डीजल भरवा दिया था, फिर हम निकल गए थे जैसलमेर घूमने के लिए, फिर सम घूमे, कुलधरा, तनोट, लोंगेवाला और काफ़ी जगह घूमे, बीच में काफ़ी सारा जो देखने लायक जगह आई थी, इस प्रकार से छोटे छोटे घर जो घास फूस से बने हुए और छोटी बस्तियां भी देखने को मिली थी। पूरा जैसलमेर घूमने के बाद हम आ गए थे फिर बाड़मेर, बाड़मेर से 10 या 12 किलोमीटर पीछे रहे होंगे और हमने वापस डीजल भरवाया इस गाड़ी के अंदर, हमारा जो डीजल है वो पूरा हो गया था तो फिर हमने दोबारा भरवाया। जो हमने टंकी है वो 854 किलोमीटर पे फुल करवाया था, अभी हमारी गाड़ी है वो कितनी चली वो भी बताऊंगा और अभी की जो दोबारा राउंड में क्या एवरेज दिया है वो भी मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो ये देखिए टंकी फुल हो गई है और डीजल है कि जो कि 41.5 लीटर आया है, 41.46 लीटर, तो आप मान सकते हो 41.5 लीटर डीजल है जो कि आया है और अभी कितनी चली वो भी मैं बताऊंगा और फुल हो गया है। तो गाड़ी है जो कि 1565 किलोमीटर चली है और अभी जो डीजल है वो आया है 41.5 लीटर। तो गाड़ी अभी चली है 1564 और पहले जब डीजल भरवाया था तब थी 856, तो 708 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है और उसमें अब डीजल आया 41.5 लीटर आया है, तो आप देख सकते हो अभी भी ये जो एवरेज है वो 17 का दिया है। तो ये जो कैंपर गाड़ी है ये ऑन हाईवे और थोड़ी बहुत जो सिंगल रोड आती है उस पर ये जो गाड़ी है वो 17 का एवरेज देती है, अगर पूरी जो रोड है वो सही होगी और पूरा जो रोड है वो हाईवे जैसा होगा तो 18 के आसपास जो एवरेज है वो जा सकता है, लेकिन 16 और 17 का एवरेज तो फिक्स है। ऐसी रोड पे भी ये जो 17 का एवरेज दिया है तो गाड़ी 17 का एवरेज देती है कैंपर। तो ये देखिए बोलेरो कैंपर जो कि मैं 1800 किलोमीटर का जो टूर किया था मुकाम से लेके कचोरा, सालासर, पीपासर, जम्बोला, रामदेवरा और जैसलमेर, तनोट, सम डेजर्ट, काफ़ी जगह घुमाऊँ, टोटल 1850 किलोमीटर गाड़ी है जो कि चली है और मैंने 1850 किलोमीटर का टोटल एवरेज निकाला है। तो ये गाड़ी है जो कि 17 का एवरेज देती है, 17.08 17.10 मतलब 17 से कुछ ऊपर है, तो आप 17 का एवरेज है जो कि मान सकते हो कि बोलेरो महिंद्रा कैंपर जो ये है, आप वेरिएंट देख सकते हो गोल्ड ZX जो मेरे पास टॉप वेरिएंट है, ये गाड़ी ऑन हाईवे और थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब भी आता है, ट्रैफिक में भी घुमाऊँ, सब मिला के टोटल ये 17 का एवरेज है जो कि देती है।